आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं जो कि जयपुर से आ रही है। 22 इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी है, केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है। आपको बता दें फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर ये आग लगी है और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें आग की। 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। केमिकल फैक्ट्री ये बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग लगी है और इस आग की लपटों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं दमकल पहुंच चुकी है। दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है, आग बुझाने का प्रयास इस समय लगातार जारी है। तमाम दमकल कर्मी इस समय मौजूद है। आपको बता दें केमिकल फैक्ट्री है ये जहां पर ये आग लगी है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। 22 गोदाम स्थित ये फैक्ट्री और काफी भयावह आग देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां 22 गोदाम पर एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लगी है और अभी तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी भी पहुंच चुके हैं, दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है। जांच जारी है कि क्या कारण रहे आग लगने की, उसके बारे में जांच की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील। सुनील, क्या अपडेट है, क्या 22 गोदाम के पास में एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लगी है? जी बिल्कुल सौरभ, 22 गोदाम जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी। दरअसल बात ये भी सामने आ रही है कि ये केमिकल का गोदाम था, यहाँ पे केमिकल रखा जाता था। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात हुई तो उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि पहले ब्लास्ट हुआ था इस पूरे गोदाम में और उस ब्लास्ट के बाद एकदम से आग लगी थी और आग काफी भीषण थी। दमकल की 3 गाड़ियां जो थी, नगर निगम की 3 गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची सूचना के बाद। ये भी एक अच्छी बात है कि सूचना के तुरंत बाद पास में जो दमकल स्टेशन होने की वजह से जल्दी से दमकल की जो गाड़ियां वो पहुंच चुकी और जो तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी अधिकारी है वो यहां पर पहुंचे और जो आग है उस पर काबू पाया। करीबन आधा घंटे की जो कड़ी मशक्कत है उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें अभी तक कोई पता नहीं चला कि आग लगने के कारण क्या है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ था और अगर नुकसान की बात करें तो यहां पर नुकसान का आकलन नहीं हुआ है और जान माल की बात करें तो किसी तरह का कोई इंजरी यहां पर सामने नहीं आई है। एक बाइक अंदर खड़ी थी वो बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और अभी भी मोटा मोटी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन किसी तरह की जरा सी संभावना नहीं रही क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रीज हैं, कई सारे जो प्रतिष्ठान यहां पर हैं उसको देखते हुए तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अभी यहां पर तैनात है और अभी भी उस आग को बुझने के बाद और भी उस पर काबू किया जा रहा है। कोई भी अंश यहां पर छोड़ना नहीं चाहते तो कहा जा सकता है कि आग पर तो पूरी तरह काबू पा लिया गया है लेकिन फैक्ट्री एरिया के बीच में आसपास रिहायशी जगह भी है। एकदम से ऐसे ब्लास्ट होता है और उसके बाद आग लगना एक बड़ा जांच का विषय है किन कारणों से आग लगी है क्योंकि इस तरह की जो केमिकल बनने के फैक्ट्रीज में आग लगने के कारण कई सारा जो नुकसान है क्योंकि राजधानी की बात है, राजधानी के बीच में जब आग लगती है तो कई सारा नुकसान और जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये भी पता करें क्योंकि अभी इस फैक्ट्री का ये भी पता नहीं चल पाया गोदाम का कि ये वैध है कि अवैध है, किस तरह का जो लाइसेंस यहां पर मिला हुआ था और किस तरह के केमिकल का यहां पर फैक्ट्री मालिक मौके पर मौजूद है, उसका क्या कहना है, उसका क्या रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस वालों ने अभी जो प्रारंभिक तौर पर यही रहता है कि आग को आग पर काबू पाया जाए किसी भी तरह से और अभी जो जो गोदाम है उनके जो ओनर कौन है, किस तरह का जो लाइसेंस है, केमिकल बनता था लेकिन किस तरह का केमिकल बनता था, कितना वो घातक था और जो तय मापदंड और जो सेफ्टी मेजर्स की बात करें, सुरक्षा उपकरणों की बात करें, वो क्यों नहीं यहाँ पर थे और आग क्यों लगी, इन कारणों पर जांच जारी है लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी यही सामने आया कि एक ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अभी जांच के बाद ये सामने आएगा कि क्यों आग लगी और किस तरह की जो ये गोदाम था, क्या लाइसेंस था या नहीं था और क्या इस पर केमिकल तैयार होता था। जी ठीक है, तो सुनील ये माना जाए कि फैक्ट्री बंद थी, बंद लगी हुई फैक्ट्री पे आग थी क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पर अगर नजर नहीं आ रहा है, फैक्ट्री मालिक मौजूद नहीं है तो बंद फैक्ट्री में ही आग लगी है। जी दरअसल सौरभ, ये गोदाम है और ये जो फैक्ट्री का जो गोदाम है यहाँ पर कर्मचारी होंगे लेकिन जब आग लगने के बाद जब ढूंढा गया तो कोई कर्मचारी यहाँ पर दिखा नहीं है अभी तक क्योंकि ओनर ऐसे जब मौके होते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो सामने आते हैं लेकिन अब जब पुलिस जांच करेगी तो सब लोग सामने आएंगे। अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे थे, अंदर एक बाइक चल रही थी उनको जो दमकल की जो कर्मचारी है वो बाहर निकाले लेकिन वो तब तक जल चुकी थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फिलहाल गनीमत रहेगी किसी तरह की जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। पास ही में
फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, दमकल की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंच गई, दमकल कर्मी पहुंचे, पुलिस कर्मी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। केमिकल का गोदाम ये बताया जा रहा है, फिलहाल केमिकल जिसका ये गोदाम है वो व्यक्ति सामने नहीं आया है, कोई जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे उनका पता नहीं चल पाया, साथ ही आग लगने के क्या कुछ कारण है उनका भी पता नहीं चल पाया है। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर केमिकल फैक्ट्री के अंदर ये आग लगी है, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो पुलिस हो चाहे दमकल कर्मी हो, तुरंत त्वरित एक्शन के चलते बड़ा हादसा टल गया है, किसी तरह की कोई जान माल की हानि यहां पर नहीं हुई है, गनीमत की बात है। फिलहाल जांच का विषय है कि आग क्यों लगी थी, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ घटनास्थल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बताया जा रहा है केमिकल फैक्ट्री है और उसमें आग लगी है, फिलहाल मालिक का कुछ नहीं पता चल पाया है, पुलिस की जो जांच है प्रथम दृष्टिया वो कहां तक पहुंची है, आग लगने के कारण क्या बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सौरभ, अभी जिस तरह से जो आग की घटना हुई उसके तुरंत बाद जो तमाम जो दमकल कर्मी है, तीन दमकल एक साथ यहां पर पहुंची थी मौके पर, और आधा घंटे की जो कड़ी मशक्कत है उसके बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आग लगने की जो जगह है यही वो गोदाम है, फैक्ट्री है जहां पर केमिकल बनता था, और जब आग लगी एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर होना बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये बात कही है कि पहले ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आग का गुब्बार बन गया, और आग देखते देखते काफी भीषण रूप ले चुकी थी। गनीमत रही कि पास में दमकल स्टेशन मौजूद होने के कारण बहुत जल्दी दमकल की जो टीम है वो यहां पर पहुंच गई, और उसके बाद आग पर करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। लेकिन आग में जो एक अंदर बाइक खड़ी थी वो भी जलकर राख हो गई है, और जो दमकल स्टेशन के जो जो क्या वो अधिकृत था, किस तरह का केमिकल का गोदाम था, किस तरह का केमिकल यहां पर बनाया जाता था या रखा जाता था, और क्या वो अधिकृत था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जांच का विषय यही है कि अभी तक किस तरह का यहाँ पर केमिकल रहता था और क्यों कौन सा केमिकल यहाँ पर लाइसेंस, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लाइसेंस भी लिया गया था या नहीं लिया गया था, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है कर्मचारी यहाँ पर नदारद मिले, अभी तक की जो जांच में कोई सेफ्टी मेजर्स जो देखे जाते हैं अमूमन की जहाँ केमिकल होता है वहां पर जो आग लगने के या फिर ऐसी स्थिति में आग पर या किसी जो ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उससे निपटने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, सुरक्षा उपकरणों की बात करते हैं, वो उपकरण यहाँ पर नहीं दिखे हैं। अभी जांच जारी है और जो दमकल के अधिकारी हैं वो हमारे आते हैं लगातार शुरू से इस आग पर बने हुए। सर, आप शुरू से यहां पर लगातार इस आपकी देखरेख में पूरा ये ऑपरेशन हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, अभी तक की जांच में किस तरह का मतलब जांच तो नहीं, आपको किस तरह की जानकारी मिली, क्या अभी तक सामने आया? केमिकल बता रहे हैं, ड्रमों का स्टोरेज था, वो ब्लास्ट हुए थे पता चला, तो अभी कंट्रोल है आपके सामने, बुझा ली गई गाड़ी। यानी इसमें जो यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स की बात होती है केमिकल जहां पर बनता है, अभी तक जो आप पूरी आग पर काबू पाए, आपने पूरा एरिया देखा, ऐसा कुछ सेफ्टी मेजर्स कुछ आपको दिखा? नहीं, सेफ्टी मेजर्स नहीं था, ये कोई टेम्परेरी शेड है इनका, उसमें स्टोर किया हुआ है, ऐसा नहीं था, कुछ है नहीं सेफ्टी मेजर्स में, तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पर। बाकी किस तरह की फैक्ट्री अभी वैध थी क्या वैध, अभी इस बारे में जांच के बाद अभी कोई जांच नहीं है? फैक्ट्री नहीं है, ये स्टोरेज है, कोई फैक्ट्री नहीं है, स्टोरेज है, वो अभी जांच के बाद पता चलेगा किसका है किनका, अभी पता नहीं किया। केमिकल कौन सा था यहाँ पर? केमिकल का भी नहीं पता अभी हमें कौन सा केमिकल है, मे बी थिनर हो सकता है। तो सौरभ देखिए कि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक की जांच में कि कौन सा केमिकल यहाँ था, अभी ये सब कयास है कि थिनर यहाँ पर जो बनता था, जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा केमिकल किस तरह का था और क्या ये जो गोदाम है ये अधिकृत था। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, जानकारी साझा करने के लिए।